यार कसम से यार जेनुअनली बीमार पड़ गया मैं। पहले तो मैं एज अ मजाक ले रहा था, बट भाई पड़ गया तुम्हारा भाई बीमार। उससे क्या होगा, पूरे शरीर को जो जुकाम है वो ठीक होएगा, मेरे को उम्मीद तो नहीं है, बट भाई Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work. यार ये जो कोल्ड है ना, बढ़ बढ़ के इतना ज्यादा हो चुका है ना, इतना ज्यादा कहने की हद नहीं। मतलब इस टाइम पे मेरा गला पूरा बंद है, मेरी नाक पूरी बंद है, एंड मेरे ऐसे की तैसे फिर रखी है। अभी कोई एक्सेस उठने का प्लान नहीं था, वो तो एक इम्पोर्टेंट फोन आ गया। भैया को लगा मैंने कबाड़ बेचना, भाई मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, कहाँ से कबाड़ बेच पाऊंगा। वो तो एक इम्पोर्टेंट फोन आ गया, तो उस करके भाई मेरे को जाना पड़ा, मतलब उठना पड़ा। अदरवाइज भाई मैं ना उठ पाता, मेरे ना हाथ भी, मतलब कल रात को ना मैं हाथ के बल सो गया, एंड एल्बो इतनी ज्यादा दर्द करती, इतनी ज्यादा कह रहे कि हाथ नहीं, मतलब जिनने मल्टीपल डिसऑर्डर हो सकते हैं इस टाइम पे उतने हो रखते हैं। बट एनी वे, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग गुड, बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। मेरे होठ भी ना इस टाइम पे एकदम ना सूख चुके हैं। आई हैव नो आइडिया मैं कितना व्लॉग बना पाऊंगा, कि भाई मेरी ना ऐसे की तैसे फिर रखी आज का व्लॉग। आई हैव नो आइडिया भी, मतलब कितना ही बना पाऊंगा, मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। मेरे को तो छींक आ रही है जबरदस्त, छींक नहीं पहले सॉरी। मेरे जुकाम भाई बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। अभी ना खैर मैं सोच रहा हूँ पहले फटाफट नहा धोना भी निपटा लेता हूँ, शायद से नहा धो के हल्का सा फ्रेश फील हो, अगर होता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज भाई आई हैव नो आइडिया भी आज का व्लॉग कितना बनेगा, क्योंकि मेरी हालत ना कसम से बहुत खराब हो रखी है यार। इतनी खराब एक्सपेक्टेड नहीं थी आज हो जाएगी, भले सिर्फ और सिर्फ 20% ही, बट एटलीस्ट भाई साहब नहा धो के मेरे को फर्क तो पड़ा यार। मतलब मैं सांस फूल रही है, मेरी हालत बहुत डाउन हो रही है। एक ना गोली है चेस्ट ऑन कोल्ड, मैं सोच तो रहा हूँ वो ले लूँ, बट भाई अगर खाली पेट गोली लूँगा फिर ऐसी की तैसी फिर जाएगी, फिर तुम लोग समझ सकते हो यार। एंड आज ना मेरा सुस्ती का लेवल यहाँ पे है, एंड चुस्ती का यहाँ पे बिल्कुल, मतलब जमीन के नीचे ही जा रखा है, तो इस करके व्लॉग नहीं होता, व्लॉग ज़्यादा एनर्जेटिक तो बन नहीं पाएगा। तो जैसा भी है यार, तुम लोग बस हाथ सहन कर लेना, आज बस देख लेना तुम्हारे भाई की बकवास, क्योंकि यार कसम से यार जेनुअनली बीमार पड़ गया मैं। पहले तो मैं एज अ मजाक ले रहा था, बट भाई पड़ गया तुम्हारा भाई बीमार। अभी तो दवाई वगैरह खाने के लिए आप लोगों को पहले ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, तो फटाफट बाहर चलते हैं, मतलब किचन में चलते हैं, एंड देखते हैं आप लोगों को आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। एंड अभी मैं एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ भाई, मैं ना अपने ब्लॉग में ये अपना ड्राइंग रूम काफ़ी कम दिखाता हूँ, बल्कि दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ माई हाउस, बट स्टिल इसको मैं कम ही दिखाता हूँ। कोई नहीं, अब से और दिखाना शुरू करेंगे, अभी तो बाहर चल के अपना ब्रेकफास्ट करते हैं बढ़िया। I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. ये भी वैसे प्यारा फ्रेम है काफी। किसी ने मेरे को कहा भी अपने पैरों पे ना अच्छे से विक्स लगा ले। वैसे तो मम्मी का देसी नुस्खा है, तुम नटिया ने चुभ रहा है पता नहीं क्या है। वैसे तो मम्मी का देसी नुस्खा है भाई, विक्स लगाने के बाद अच्छे से पैरों को वो कर ले, कवर कर ले सॉक से। उससे क्या होगा, पूरे शरीर को जो जुकाम है वो ठीक होएगा, मेरे को उम्मीद तो नहीं है, बट भाई ये जो जुकाम है इसको ठीक करने के लिए कुछ भी चलेगा। तो सांस फूल की इतना ज्यादा एक्शन करा भाई, रोल पोल करके व्लॉग के लिए तुम्हारे लिए पर्दे बंद करे, ऊपर से भाई ट्राईपॉड लेके आया, ट्राईपॉड एक पैर पे कूदता कूदता लेके आया, बहुत कुछ हो गया। अब जो है भूख चार गुना लग रही है, तो फटाफट चलते हैं, अब पक्का चल के ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि भाई मेरी हालत ऐसी की तैसी हो गई। मेरे को नहीं लगता मेरे को जल्दी जल्दी खाना खाने को मिलेगा आज, बट चलो कोई ना, अभी जस्ट टू लिफ्ट माई मूड अ लिटल बिट
मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट, मतलब कोई काम नहीं है, बस ऐसी गेड़ी से मारने जा रहे हैं। एंड मैं मार्केट में भी ब्लॉग तो कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाऊंगा एज यूजल पूरे दिन की तरह, तो हल्के फुल्के ही मोन्टाज दिखाऊंगा कुछ इंटरेस्ट, फिर घर आके आराम से खाना खाऊंगा, क्योंकि मेरे को खाना नहीं मिल रहा अभी तो, कोई दे नहीं रहा खाना मेरे को क्योंकि सफाइयाँ चल रही हैं। तो मेरे को लगता है अपन मार्केट से जाके जब तक आएंगे तब तक सफाइयाँ भी हो जाएंगी और अपने को खाना भी मिल जाएगा। बादल हो रहे हैं आज बड़े घने घने, मेरे को लगता है मेरे और मौसम की ना कोई पक्की बात है, सिंक्रोनाइजेशन है। बादल होते हैं तुम्हारा भाई बीमार हो जाता है, ठंड होती है तुम्हारा भाई, कुछ भी होता है तुम्हारा भाई बीमार हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव है तुम्हारा भाई मौसम के प्रति। पर चलो कोई ना, आज तो भाई ये भी खाली अच्छा, आज संडे नहीं है ना, संडे को यहाँ पे कार बाजार लगता है, संडे को तुम यहाँ पे गाड़ी भी नहीं पार्क कर सकते कार बाजार के अलावा, बाकी दिनों में कर सकते हो। बढ़िया चीज़ है, अभी तो लोग मार्केट भी पहुँच गए हैं, फटाफट मार्केट के जड़ी टिटबू से काम है वो निपटाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट की तलब उठ रही है, जैसे लोगों को नशे की तलब नहीं उठती वैसे मेरे को ब्रेकफास्ट की उठ रही है, इसलिए ब्रेकफास्ट But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? तो लास्ट प्रेम से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 6 घंटे का गैप रहा, मतलब 11:30 के करीब लास्ट प्रेम हुआ होगा, अब 5:30 बज रहे हैं शाम के। एंड भाई इन 6 घंटों में बहुत कुछ हुआ, एक तो लोग 4 घंटों की नींद सोए बहुत ही बढ़िया, जिसके बाद अब एटलीस्ट नाक से सांस ली जा रही, बट मेरी नाक लाल हो चुकी है। एंड दूसरा दीदी भी घर वापस आ गए वहाँ से कॉलेज से, मेरे को थकावट बहुत ज़्यादा होगी। और मैंने ना मार्केट में एक ब्रेड पकौड़ा खा लिया था क्योंकि मेरे को भूख हद ज़्यादा लग रही थी, मेरे को चक्कर आने वाले थे, रुकने का कोई ना रुक आराम से ब्रेड पकौड़ा खा फिर मार्केट का काम कंटिन्यू कर दिया। अब लोग मार्केट के काम कंटिन्यू करे, घर आके ब्रेकफास्ट करा। एंड अभी भी तुम्हारे भाई को दोबारा भूख लग रही है, मतलब अभी मैं सो के और नहा धो के हटाऊँ, मतलब पहले सोया फिर नहाया धोया। एंड अभी मैं और दीदी वही प्लान कर रहे हैं, अभी अपन लोग जरा मार्केट तक जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, कुछ भी छोटा मोटा एक गंदा बंदा से बर्गर नहीं होता ये खा के आएंगे, क्योंकि भाई वैसे सब कुछ चटपटा ही खाने का मन कर रहा है। सो अभी देखते हैं, अभी तो पहले चल के अपन लोग अपनी स्वेटशर्ट डालते हैं, फिर उसके बाद अपन लोग अभी कितने बजे तक निकलेंगे, टेंटेटिवली 6:30-7:30 तक ही निकलेंगे, क्योंकि जल्दी निकलने का तो कोई फायदा नहीं, मार्केट भी नहीं खुली हुई अभी तक तो। ओ भाई मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है लास्ट टाइम से लेके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, बट एक चीज़ बहुत बढ़िया, आज मेरे मामू औरों का घर पे आने का बन रहा है, मतलब अभी मेरे मामू आ ही गए हैं तो पूरी फैमिली आएगी, अपन लोग आराम से बैडमिंटन खेलेंगे, क्योंकि मेरी शायद से मामू नानी साइड से सिर्फ मैं और मेरी कजन है, अपन लोग बैडमिंटन खेलते और मामू खेलते, बाकी और किसी को शौक ही नहीं था सारा स्पोर्ट्स का, मेरे घर में से तो किसी को नहीं है, तो उसका प्लान बन रहा है, फिर रात को डिनर भी यहीं पे ही है, पूरी मस्ती मारेंगे मज़ा मारेंगे। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं इस वीडियो को यही एंड कर दूँ, और भले ही छोटी सी बनी है बट ठीक है भाई, मेरे लिए सफिशियंट है, जो भी अब होएगा वो कल के ब्लॉग में होएगा, तुम लोग कल देख लोगे क्योंकि कल पूरा दिन आराम करूँगा। तो अब ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं, अब लोगों के पास दिखाने में कुछ नहीं बचा, तुम लोगों के पास देखने में कुछ नहीं बचा, तो इसी नोट में करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करें लोग आज वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, तुम लोग जिन्हें इस वीडियो के साथ, बाय बाय, पीस आउट, लव यू।